Hello students, I'm Ajay Palsar from Vivekananda School Bani. Now we start the next topic of the Meissner effect, okay? Of class 12th physics. In 1933, Meissner and Ostenfold found that if a conductor is cooled in a magnetic field to a temperature equal to or lower than transition temperature TC, okay? ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर इज सेम, ओके। उन्होंने बोला है किसी भी कनेक्टर को जब हम क्या करते हैं, कूल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, टेम्परेचर क्या रखना है, उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर से भी कम रखना है। देन एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन आर पुश्ड आउट एज शोन इन फिगर, ओके। अब आपको पता है कि मैं कोई भी कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अपने में से पास आउट होने देता है क्योंकि वो कंडक्ट करता है। बट जब हम ट्रांजिशन टेम्परेचर से उसको क्या कहते हैं और ज्यादा लो टेम्परेचर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में दे रहे हैं, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो उसमें से पास आउट नहीं होती। दैट इज द मेज़नर इफेक्ट। Thus the Meissner effect state that at or below the transition temperature no magnetic field lines or magnetic flux density inside the superconductor when the specimen is placed inside a uniform magnetic field. Okay, आपको समझ आ गया होगा, कोई भी magnetic field pass out नहीं होगी जब temperature low हो जाएगा, equal हो जाएगा transition temperature से, okay? Next हम कहते हैं color code और कार्बन रजिस्टर, ओके। ये आपको याद होना चाहिए कि कलर कोड कौन से होते हैं। अब आपने रजिस्टर देखा होगा मार्केट में, द कमर्शियल रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर होते हैं। दीज आर मेड ऑफ मोल्डिंग कार्बन इनटू अ सिलेंडर विद ए फायर लीड एट ए टू एंड, उसमें कार्बन होता है। एवरी सच कार्बन सिलेंडर इज एनकेस्ड इन ए सेरेमिक और प्लास्टिक जैकेट, उसके अंदर एक प्लास्टिक की जैकेट होती है। कार्बन रजिस्टर आर दस कॉम्पैक्ट एंड कॉस्ट लोस लेस, कम पैसे के होते हैं। द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स, दी रजिस्टर द परसेंटेज एक्यूरेसी डिटेक्टिंग बाय कलर कोड प्रिंटेड ऑन देम, और उनके सिलेंडर के ऊपर कलर कोड होते हैं, आपको लैब के अंदर ये दिखाया जाएंगे, ओके। अब आपने उन कलर्स को देख के आपको ये बता सकते हैं कि वो कितने रजिस्टर का होगा, ओके। तो यहाँ पे कलर कोड आपने याद रखने हैं, ओके। देखो ब्लैक, जो सबसे पहले ब्लैक है, ओके, ब्लैक जीरो नंबर देते हैं। फिर नेक्स्ट ब्राउन नंबर को वन, इस तरीके से ये नंबर ये टेबल आपको याद होना चाहिए। फिर उनका मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लाई करते हैं उसे, ओके, सीधे ऐसे ये नंबर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके लास्ट के अंदर अगर गोल्ड सिल्वर की एक लाइन बनी हुई तो हम परसेंटेज भी लगा देते हैं, ओके। तो रिमेम्बर द वैल्यू ऑफ द कलर कोडिंग यूज बाय कार्बन रजिस्टर, अगर उसकी वैल्यू अपने याद रखनी है तो एक सीक्वेंस याद रखो, ओके। बीबी रोए के अंदर अब यहाँ पे बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा नंबरिंग याद रखने के लिए, ओके। तो यहाँ पर आप नंबर के अकॉर्डिंग उसको देख सकोगे। अब वे ऑफ द फाइंडिंग रजिस्टर, आप कैसे रजिस्टेंस फाइंड करते हो वो देखते हैं। इन द सिस्टम कलर कोडिंग, इस तरीके से स्ट्रिप बने होंगे, कलर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप ए, फर्स्ट स्ट्रिप जो ए होगा एंड इंडिकेट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर और रजिस्टेंस इन ओम के अंदर बताएगा, सेकेंड भी वही बताएगा, ओके। थर्ड जो है क्या बताएगा, इंडिकेट द मल्टीप्लायर, जो तीसरा रंग होगा वो मल्टीप्लायर बताएगा कि मल्टीप्लायर कौन सा आपने मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो जो फोर्थ स्टेप होगी वो परसेंटेज बताती है, ओके। इफ फोर्थ स्टेप डज नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो आप सीधे 20% उसको लिख सकते हो। इफ एनी बैंड इज ओमिटेड इन द सेम कलर एज द बॉडी ऑफ द रजिस्टर, ओके, तो सेम कलर होगा, कोई बैंड नहीं होगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर द गिवन कार्बन रजिस्टर, फर्स्ट स्ट्रिप येलो है, येलो का आपने नंबर देखना है, सेकंड स्ट्रिप रेड का नंबर देखना है, थर्ड स्ट्रिप ऑरेंज का आपने क्या देखना है, मल्टीप्लायर देखना है, फोर्थ स्ट्रिप की आपके परसेंटेज, तो यहाँ पे फोर येलो फोर नंबर होता है, टू नंबर पे आपको पता है रेड होता है, थर्ड ऑरेंज है, ऑरेंज की जो मल्टीप्लायर होता है 10^3 होता है, साथ में प्लस माइनस में परसेंटेज लगा दोगे, इस तरीके से आपने करने, ओके। अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, ओके। यहाँ पे ये देखो 2.4 दे रखा, तो पहले इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1 कम हो जाएगी, तो आप इससे नंबर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।